हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 80वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 1.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहाँ हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। ये हमारे शो पर 1 साल पहले आ चुके हैं और उस वक्त हमने इनसे वादा लिया था कि आप दोबारा हमारे शो पर ज़रूर आएंगे और आज इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। ही इज़ अ CFA, CMT एंड अ CQF। ही इज़ द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज़ एन ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस ट्रेडिंग इन इंडिया। इन्हें गिटार बजाना पसंद है और पिछले एपिसोड में इन्होंने हमारे लिए गिटार बजाया था और गाना भी गाया था। तो चलिए स्वागत करते हैं शुभम अग्रवाल जी का। शुभम, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन ऑन आवर शो। थैंक यू अपूर्वा फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। और मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम हमने बात की थी तब काफी हमने बहुत सारी नई चीजें, मैंने कभी कोई लाइव वेबिनार में कभी गिटार नहीं बजाया था, तो आई थिंक वो पहली बार ही हुआ था। और उस टाइम हम लोग ने बहुत सारे पर्सनल जो मेरा जर्नी है उसके बारे में चर्चा की थी। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर पाए। तो बिल्कुल मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ आज के वेबिनार के लिए। डेफिनेटली। सो पिछली बार भी हमने एक सरप्राइज रखी थी एंड में, जिसमें आपने गिटार बजाया था, गाना भी गाया था हमारे व्यूअर्स के लिए, और आज भी एक सरप्राइज है। लेकिन इस बार वाली जो सरप्राइज है उसे एंड में ना रिवील करते हुए हम आज ही अभी इसी वक्त रिवील कर देंगे। तो वो सरप्राइज बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है एंड आई एम श्योर के जो हमारे व्यूअर्स और सैमको के खासकर जो क्लाइंट्स है उनके लिए बहुत ही बड़ी सरप्राइज और गुड न्यूज़ है। और वो ये है कि सैमको इज़ कोलैबोरेटिंग विथ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑप्शंस एनालिटिक्स में शायद इंडिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में ही बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्शंस मार्केट्स में जो डेटा है उसे एनालिसिस करके बहुत ही अच्छी इंसाइट्स अपने क्लाइंट्स को देते हैं। सो सैमको इज़ कोलैबोरेटिंग विथ कॉन्सेप्ट। तो इससे सैमको के जो क्लाइंट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पे जो एनालिसिस होता है ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड वो बड़ी इजीली कर पाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट के क्लाइंट्स हैं वो सैमको के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स इजीली डाल पाएंगे। तो आई एम श्योर इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, बोथ फॉर कॉन्सेप्ट एज वेल एज सैमको कस्टमर्स। तो शुभम, थैंक यू फॉर यू नो कोलैबोरेटिंग विद अस। और आप अभी आई एम श्योर के आपके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए कि कैसे, और मैं खासकर अपने जो क्लाइंट्स और व्यूअर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट के जो इतने सारे फीचर्स है, आई थिंक देर आर सेवरल फीचर्स विच आई थिंक नोबडी एल्स गिव्स इन द मार्केट। तो इन फीचर्स से जो हमारे व्यूअर्स और क्लाइंट्स हैं उन्हें कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल अपूर्वा, और हम लोग भी कॉन्सेप्ट में इक्वली हमारे अभी हम भी काफी खुश हैं कि जो ट्रेडिंग का हमारा एक नीड था जो हमारे क्लाइंट्स भी काफी समय से बोल रहे थे वो ब्रिज अब कंप्लीट हम धीरे धीरे इसको अचीव कर पा रहे हैं। तो सैमको के साथ जो अब हमारा कोलैबोरेशन है वो एक टू वे कोलैबोरेशन है जहाँ पे कॉन्सेप्ट सैमको के प्लेटफॉर्म के अंदर से भी आप एक्सेस कर पाएंगे, प्लस जितने भी हमारे कस्टमर्स जो हमारे पोर्टल पे आज तक यूज कर रहे थे एप्लीकेशन वो भी सैमको में या तो अपना अकाउंट ओपन करके या एग्जिस्टिंग अकाउंट को मैप करके वहाँ पे डायरेक्टली एनालिटिक्स सिर्फ देखने के लिए नहीं है, एनालिटिक्स से सीधा आप वहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन लेकर के और उसको एक ट्रेड में कन्वर्ट कर पाएंगे और ट्रेड मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट में अगर हम पूरा प्रोडक्ट बास्केट देखें तो 80 से ज्यादा टूल हमारा पूरा स्पेसिफिक डेरिवेटिव के लिए, 80 से ज्यादा टूल और 44 से ज्यादा इंडिकेटर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं। इतना जो प्रोडक्ट बास्केट है पूरा कंट्री में नहीं है, मेरे को नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में भी कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म में डेरिवेटिव का इतना बड़ा कोई बास्केट है। तो हमारी जो कोशिश रही है वो हमेशा से ये रही है कि इंस्टीट्यूशनल
लेवल जो एनालिटिक्स होते हैं, जो अब इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बहुत पैसा है, सरप्लस है, वो करोड़ों रुपए जा करके खर्च करके एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद के लिए क्रिएट कर सकता है, और इसलिए उसको एक एज रहता है कि वो जो एनालिटिक अचीव कर पाता है वो काफी सोफिस्टिकेटेड होता है। और बिकॉज हम जानते हैं कि डेरिवेटिव इज जीरो सम गेम, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि एग्जैक्टली जीरो सम गेम नहीं होता है, लेकिन मेजरली जो वॉल्यूम है वो स्पेकुलेशन है, इसलिए मैं उसको जीरो सम गेम बोलता हूँ। तो जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर इंस्टीट्यूशन पैसा बनाएगा तो किसके कॉस्ट पे बनाएगा, वो रिटेल के कॉस्ट पे बनाएगा, और ज्यादातर लोग 90% से ज्यादा लोग नुकसान करते हैं, 10% लोग कमाते हैं जिनके पास या तो उस तरह का कोई स्किल है, और वो स्किल खाली स्किल से नहीं होता है, बिकॉज आप गट फील पे तो जाके ट्रेड नहीं ले सकते, उनके पास डेटा है, एनालिटिक्स है, लेकिन रिटेल के पास ये एक्सेस नहीं था। तो कॉन्सेप्ट में हमारी जो कोशिश है वो यही है कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल डेटा है या एनालिटिक है वो हम रिटेल को कैसे अवेलेबल करा पाए, जहाँ पे उनको कोई करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े, काफी अफोर्डेबल कॉस्ट पे वो इसी तरह के एनालिटिक बिना नॉलेज के, जहाँ पे वो खुद नहीं बना पाएंगे, तो हम उनको बना करके देख पाए और वो डायरेक्टली कंज्यूम कर पाए एक बहुत इजी वे में। ये हमारा जर्नी है, और सामको का जो एग्जीक्यूशन है, जो पावर ऑफ एग्जीक्यूशन आपकी एपीआई का है, जब वो साथ में कोलैबोरेट होगा तब मुझे लगता है कि एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, जहाँ पे आप एक अच्छा एनालिटिक को स्मूथली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों कॉन्सेप्ट के क्लाइंट्स और सामको के क्लाइंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है, और ये जो पूरा परिवार है ऑप्शन ट्रेडर्स का, रिटेल का, वो अब नुकसान देने के बदले एक जर्नी की तरफ बढ़ सकता है, जहाँ पे इवन रिटेल भी कंसिस्टेंटली पैसा कमा पाए, ये हमारा प्रॉफिटेबल एम ट्रेडर है और बन हम कर सकता सकते है। हैं। बिल्कुल सो ये कोलैबोरेशन बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। हम यहाँ पे इस वक्त कोई डेट कमिट नहीं करना चाहते, बट वी वांट टू टेल यू के ये बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ये सवाल पूछेंगे कि कब कोलैबोरेशन हो रहा है। तो मैं उनसे कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए, इट इज़ गोइंग टू हैपन सून एंड यू वुड सी द चेंजेस इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। तो सैमको के स्टॉक नोट ऐप पे और कॉन्सेप्ट पे भी आप ये चेंजेस बहुत ही जल्द देख पाओगे। तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड लुक फॉरवर्ड टू द कोलैबोरेशंस। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो शुभम, आज आप अपनी बास्केट में से जो इतने सारे टूल्स आपने बनाए हैं कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें से आप ऐसा कौन सा टूल लाए हो जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्हें बेनिफिशियल लगेगा, उन्हें पसंद आएगा, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आप आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो पूर्वा जी, आज का जो टॉपिक है वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रीफ किया उसी सेम लाइन पे कि इंस्टीट्यूशनल लेवल एनालिटिक रिटेल को कैसे मिल सके, इसके बारे में हम आज कोशिश करेंगे कि इसको हम सीखें। तो ऑर्डर बुक डेटा, सो अगर आप, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ऑर्डर बुक डेटा एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज अगर हम बात करते हैं कि एक्सचेंज में अगर आप कोई ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या सैमको के आप प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, जहाँ पे आपको बेस्ट फाइव बिड, बेस्ट फाइव सेल ये आपको दिखता है, कोई कोई ब्रोकर जो है बेस्ट 20 भी दिखाते हैं, राइट। लेकिन पूरा का पूरा मार्केट में क्या ऑर्डर्स है, किस प्राइस पे, कितना क्वांटिटी है, ये आपको विजिबिलिटी एज अ रिटेल ट्रेडर शायद ना हो, लेकिन जो एक्सचेंज है वो ये डेटा, ऑब्वियसली इट इज अवेलेबल और कोई भी जाके खरीद सकता है, एक्सचेंज कोई बायस नहीं दिखाता है, लेकिन ये जो डेटा है वो काफी कॉस्टली है, प्लस उसके ऊपर एनालिटिक बना पाना, प्लस को लोकेशन पे सर्वर लेके रैक लेके और आप ये एनालिटिक कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो एक रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता है, बिकॉज एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, प्लस एक अलग लेवल का आपको स्किल चाहिए इस तरह की चीजें अचीव करने के लिए। तो ये जो ऑर्डर बुक का पूरा जो डेटा है उसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारे एनालिटिक्स, कुछ 33 एनालिटिक है जो हम लोग ने इंटीग्रेट किया, ऑब्वियसली सबकी बात तो करना काफी डिफिकल्ट है। तो आज हम लोग जो सिंपलेस्ट दो इंडिकेटर है और मुझे लगता है काफी पावरफुल इंडिकेटर है, क्योंकि अगर इस तरह का डेटा आज हम देखेंगे, लाइव एग्जांपल आज का ही डेटा देखेंगे, कोई हम पीछे हिस्टोरिकल डेटा देखने नहीं जाएंगे, और हम देखेंगे कि कितने सिंपल तरीके से वो जो डेटा है वो हमें डायरेक्टली डेटा एज एन एज क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। अगर वो डेटा हमारे पास है तो हम लोग देख पाएंगे कि एक सिंपल ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी पे, स्टॉक्स पे, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसी ट्रेड को आप ऑप्शन में कन्वर्ट करके और उसके ऊपर आप पैसा बना सकते हैं। तो
ये ऑर्डर बुक का जो पूरा डेटा है वो आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं। श्योर, एब्सोल्युटली, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाला है। तो मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगा कि आज का और अगला दोनों ही एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। शुभम, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि ईद का चांद है तो कभी कभार ही हाथ लगते हैं, तो आज हम इन्हें जाने नहीं देंगे, पूरा वसूल करके छोड़ेंगे। तो डोंट मिस बोथ द एपिसोड्स, डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स बिगिन शुभम। थैंक यू पुलवा, थैंक यू फॉर दैट। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड और ऐड करता हूँ कि जो डेटा हम ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बार अगर आपने लेते अगर खुद कोई सौदा डाला होगा और रिटेल ट्रेडर में थोड़ा सा अगर लेते 15-20 लॉट 50 लॉट का अगर किसी ने ट्रेड किया, तो एक बिहेवियर हम सब ने आइडेंटिफाई किया होगा कि आपने सौदा डाला और आप बिड पे खड़े हो और इमीडिएटली आपके ठीक ऊपर 5 पैसा ऊपर 10 पैसा ऊपर इमीडिएटली आपको एक दूसरा सौदा दिखेगा। इवन तो हो सकता है कि फ्यूचर मूव नहीं हुआ, आप ऑप्शन में भाव बढ़ा भी रहे तो भी आपको सौदा नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि बिकॉज आप जो ऑर्डर डाल रहे हो वो सारे ऑर्डर क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, नया ऑर्डर आया जो पुराना मॉडिफाई हुआ, ये सारे डेटा का जो विजिबिलिटी है सबको है। जो भी जाकर के एक्सचेंज से डेटा खरीदते हैं रियल टाइम में, उनको ये विजिबिलिटी है जो कोलोकेशन का डेटा लेते हैं। तो बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे एल्गोरिदम इस तरह के होते हैं जहाँ पे अगर उनको दिखता है कि कोई बड़ा सौदा एग्जीक्यूट होने वाला है तो उसके ऊपर जाकर के बिड पे एक एल्गो जाकर के एक ट्रेड प्लेस कर देगा और फिर वो धीरे धीरे उसको जॉबिंग करता रहेगा। और इस तरह के एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं और इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, ऐसा कोई एबनॉर्मल प्राइसिंग पे नहीं चला जाएगा, लेकिन मार्जिनल आर्बिट्राज का सिनेरियो डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आज जो कोलोकेशन या जो हम लो लेटेंसी के डेटा की बात करते हैं, आपने भी सुना होगा बाजार में कि लोग कोलोकेशन रैक्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर मैंने खुद का अगर मैंने कोई एक लेते ऑर्डर प्लेस किया 100 रुपये पे एक ऑप्शन खरीदने के लिए, तो जब तक मुझे ये पता चलेगा कि मेरा खुद का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, हो सकता है उसके पहले मुझे पता चल जाए या जो कोलोकेशन में बैठे हैं उनको पता चल जाए। और बिल्कुल वैसा ही होगा क्योंकि एक्सचेंज कोई बायस नहीं दिखा रहा है, आपका जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एक्सचेंज ने एक फीड डिसेमिनेट कर दिया, लेकिन जब तक वो फीड लीज लाइन से ब्रोकर के पास पहुंचा, ब्रोकर ने उसको कैप्चर किया उसके डेटाबेस में, फिर उसने इंटरनेट से रिले किया और आप एक मोबाइल ऐप पे हो जहाँ पे आपका नेटवर्क हो सकता है स्लो है या एक लीज लाइन जितना तो फास्ट नहीं है, जब तक आपको मिला और आपने देखा तब उसके बहुत पहले हो सकता है कि जो एल्गोरिदम्स जो फीड डायरेक्टली कैप्चर कर चुके हैं एक सिंगल डिजिट लेटेंसी पे, उनको पता भी चल गया और उनको अगर कोई ट्रेड या ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो मशीन ने डिसाइड भी कर लिया। तो इस तरह के जो एल्गोरिदम्स है वो हमेशा से एक सुपीरियोरिटी हम कह सकते हैं कि एक एज रहा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अब अगर सेम डेटा अगर हम एज अ रिटेल ट्रेडर देख पाए तो मुझे लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम लो लेटेंसी पे सिंगल डिजिट लेटेंसी पे ये डेटा मिल पाएगा, लेकिन अगर पर सेकंड भी आपको ये डेटा मिलता है विच इज एज गुड एज रियल टाइम ओनली, तो आप बहुत पीछे नहीं रहोगे एल्गोरिदम से और आप भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन इस तरह से बना पाओगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको पहले तो ये कंसेप्ट समझाता हूँ कि ये जो पूरा कंसेप्ट है ऑर्डर बुक का वो एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है। तो उसके लिए पहले तो हम समझते हैं कि जो हमारा ऑर्डर बुक का जो ट्रेडिशनली जो हम स्क्रीन देखते हैं वो क्या होता है, कैसा दिखता है और उसका बेसिकली मतलब क्या होता है। तो एक स्क्रीन में ड्रॉ करता हूँ जो आप सभी ने बिल्कुल ये इस तरह का एक स्क्रीन आपने देखा होगा जब आप ट्रेड करते हैं सैमको के प्लेटफॉर्म में भी, आई एम श्योर कि इस तरह का एक स्क्रीन एग्जिस्ट करता होगा। तो लेट्स से हम बोलते हैं कि ये कोई एक कॉल ऑप्शन का ऑर्डर बुक का डेटा है, तो आपको इसमें दिखता होगा कि 1000 क्वांटिटी कोई खरीदने के लिए यहाँ पे है और 100 रुपये के प्राइस पे लेते एक बायर खड़ा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बिड प्राइस। राइट, ये बिड पे 100 रुपये का बिड प्राइस है और 1000 क्वांटिटी कोई खरीदने के लिए खड़ा है। सिमिलरली दूसरे साइड पे हम देखते हैं कि लेते 100 रुपये 50 पैसे पे जिसको हम बोलते हैं आस्क प्राइस, ठीक है, कोई 500 क्वांटिटी बेचने के लिए खड़ा है। तो ये जो है ये ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है, जब तक ये बायर प्राइस बढ़ा के या तो ट्रेड ना ले या तो ये जो सेलर है वो प्राइस कम करके बेचे नहीं, तब तक ट्रेड नहीं होगा।
तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जो मैच नहीं हुआ, अनमैच्ड जितने भी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जब अगर बायर ने प्राइस बढ़ा करके ट्रेड ले लिया, 100 रुपया 50 पैसा उसने मॉडिफाई कर दिया, या सेलर ने कम करके 100 रुपया कर दिया, तब ये ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे ये अल्टीमेटली एक सौदा हो गया, जहां पे बायर सेलर दोनों एक कंसेंसस पे पहुंच गए। तो अब इसमें आप देखेंगे जनरली स्क्रीन जो है टिपिकली ऐसा दिखता है, उसके बाद वाला भी जो नंबर है लेट से 99 रुपये 75 पैसा पे 800 क्वांटिटी कोई खरीदने के लिए खड़ा है, 300 और क्वांटिटी खरीदने के लिए खड़ा है 99 50 पे। और मैं खाली एक एक दो एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लेट से 101 रुपये पे कोई 1000 क्वांटिटी बेचने के लिए खड़ा है। इस तरह से आपको बेस्ट 5 जनरली एक टर्मिनल में जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन इन एक्चुअल ये सिर्फ 5 सौदा तो नहीं है एक्सचेंज में, राइट? एक्सचेंज में तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? और उनका विजिबिलिटी आपको नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो ऑर्डर कहाँ है, कौन से प्राइस पे है, नए ऑर्डर आ रहे हैं। अब ये जो 100 रुपये का प्राइस दिख रहा है जिस पे एक बायर खड़ा है, उसने नया ऑर्डर प्लेस किया कि पुराना कोई प्राइस था 99 50 वाले ने मॉडिफाई करके 100 रुपये पे कर दिया, राइट? तो नया बायर तो बढ़ा नहीं, उसने खाली प्राइस मॉडिफाई किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस डेटा पॉइंट से नहीं पता चल पाता। तो अब हम समझेंगे कि ये जो डेटा पॉइंट है इसमें एक दो पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं, ताकि हमको कंसेप्ट समझ में आए। फिर हम बात करेंगे कि हम इसको ऑब्वियसली चार्ट पे कैसे प्लॉट करके और ट्रेड ले पाएंगे। तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें हो सकती है। सो मैं एक जो बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो ये है कि इज देयर अ डिफरेंस अगर इस भाव पे ट्रेड होता है जो कि बिड का प्राइस है, और कंपेयर टू आज के प्राइस पे ट्रेड होता है, तो कोई डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली मोनोलॉग है तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप चैट में लिखें और मे बी आप अगर सही हो पाएंगे तो कुछ लोग आपको उसमें कमेंट पे एटलीस्ट एक थम्स अप तो दे ही सकते हैं। लेकिन बेसिकली एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर 100 रुपया पे अगर जाकर के बिड पे अगर ये ट्रेड होता है, इसका मतलब क्या है कि सेलर एग्रेसिव है। इसीलिए वो सेलर क्या कर रहा है, सेलर हो सकता है कि भाव कम करके भी बेचने को तैयार है और वो बिड प्राइस पे जाकर के बेचने को तैयार है। तो सेलर सेलर इज एग्रेसिव है बेसिकली मतलब अग्रेसिव एंड सेलर उतावला है बेसिकली, सेलर इज ईगर टू सेल। तो अगर बिड पे ट्रेड होता है इसका मतलब कौन कंट्रोल में है? आई एम श्योर अपूर्वा भी डेरिवेटिव के बैकग्राउंड से है, और जब ये पूरा डेरिवेटिव का थ्योरी शुरू होता है ओपन इंटरेस्ट का, आज हम ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन एक सिमिलर थ्योरी है, तब किसी ने लिया किसी ने बेचा तभी तो ट्रेड हुआ। लेकिन हम हरदम ये खोजते हैं जब शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन कंट्रोल में, किसने कंट्रोल किया। सिमिलरली यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो भी हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कंट्रोल में है। तो अगर सेलर कम प्राइस पे भी बेचने को तैयार है, इसका मतलब उसके पास हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन है या कन्विक्शन है या कोई एनालिसिस है जिसके बेसिस पे वो प्राइस कम पे भी बेचने को तैयार है। वेयर एज अगर आज पे ट्रेड होता है मतलब बायर अग्रेसिव है और बायर के पास लेट्स से कन्विक्शन ज्यादा है, और ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में कोई मेजर न्यूज फ्लो या मेजर फंडामेंटल चेंजेस तो होते नहीं, पूरा इक्वेशन डिमांड सप्लाई पे ही चलता है। तो कौन कंट्रोल में है ये हमको कैसे पता चलता है? तो हमको पता चलता है ये समझने से कि बिड पे सौदा हो रहा है कि आज पे सौदा हो रहा है, और ये कितना क्वांटिटी सौदा हो रहा है। तो अब ये तो हमें समझ में आया कि हमें कंट्रोल कैसे पता चलेगा। अब हम दूसरा बात करते हैं कि किस किस तरह के यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि बायर कंट्रोल में था। अब इसका दो तीन और तरीका हो सकता है, इनफैक्ट 3 तरीका हो सकता है। एक तो ये कि जो 100 रुपये पे जो बायर खड़ा था उसने एग्जिस्टिंग ऑर्डर का प्राइस को मॉडिफाई किया, और वो 100 रुपये 50 पैसे पे ये जो प्राइस था यहाँ पे मॉडिफाई करके वो सौदा ले गया, ठीक है? एक ये पॉसिबिलिटी है जहां पे एग्जिस्टिंग ऑर्डर मॉडिफाई हुआ, तो नया बायर्स और इमर्ज नहीं हुए, जो एग्जिस्टिंग जो बायर्स थे वही आपस में खेल रहे, राइट? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक न्यू बायर आया, ये जो 100 रुपये वाला है वो शॉप ही बैठा है, और एक न्यू बायर आया और उसने आकर के 100 रुपये 50 पैसे पे एक लिमिट ऑर्डर के थ्रू खरीद लिया, राइट? उसको देखा कि 500 क्वांटिटी कोई बेचने को तैयार है, तो एक न्यू बाय ऑर्डर आया। तो न्यू बाय ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है कि अब बायर्स बढ़ रहे हैं बाजार में, जो पहले बायर थे वो नहीं है और न्यू बायर्स आ रहे हैं, और वो बाजार में जो प्राइस चल रहा है उस पर लेकर के जा रहे हैं।
या तो उसने लिमिट ऑर्डर डाला, या हो सकता है कि उसका कन्विक्शन बहुत ज्यादा था तो उसने मार्केट ऑर्डर डाला, राइट, कि मेरे को जो प्राइस पे मिलेगा मुझे चलेगा, मुझे तो ट्रेड लेना है। तो ये न्यू बायर्स इमर्ज हो रहे हैं। और एक तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एक जिसको हम कहते हैं आईओसी ऑर्डर, आईओसी ऑर्डर का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर कभी भी आपको ऑर्डर बुक में नहीं दिखेगा, ये जो स्क्रीन हम देख रहे हैं इसमें कभी भी वो ऑर्डर पहुंचेगा ही नहीं, वो सीधा सिस्टम में जाएगा एक्सचेंज के पास, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ट्रेड में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा, वो कभी भी ऑर्डर बुक में नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कि हमें वो बायर कभी दिखे ही नहीं स्क्रीन में, लेकिन वो 100 रुपये 50 पैसा पे ट्रेड लेके चला जाए। ठीक है, तो तीन चीजें समराइज करते हैं, एग्जिस्टिंग बायर ने प्राइस मॉडिफाई करके लिया, या नया बायर आया जिसने लिमिट या मार्केट करके लिया, या आईओसी ऑर्डर्स आए जहां पे उसने एग्जीक्यूट किया। अब जो एग्जिस्टिंग, अब तीनों ही केस पॉजिटिव है, और ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, जब न्यू आईओसी ऑर्डर्स आ रहे हैं या न्यू बायर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि खाली एग्जिस्टिंग बायर नहीं और न्यू बाइंग इमर्ज हो रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक दो और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये जो 1000 बायर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिड पे जो खड़ा है, ये डिस्क्लोज क्वांटिटी यूज कर रहा है, राइट। सो डिस्क्लोज क्वांटिटी करके एक और कंसेप्ट है, जहाँ पे हो सकता है उसको 10,000 खरीदना है, लेकिन उसने बोला है कि मेरा 1000 क्वांटिटी ही डिस्क्लोज करो, और जैसे वो 1000 एग्जीक्यूट हो जाएगा तब फिर से और 1000 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। और इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी बाजार में एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक आइसबर्ग करके एक ऑर्डर टाइप होता है, जिसका मतलब भी सिमिलर होता है, जहाँ पे खाली आप एक्सचेंज में पहले से सौदा नहीं भेज रहे, और हर बार जब आपका 1000 क्वांटिटी आएगा तब आप एक न्यू ऑर्डर एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली फायर करेगा। तो इतने सारे तरह के पॉसिबिलिटीज हैं जिससे ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है ट्रेड में, लेकिन हमें क्या जानना है, हमें बहुत बेसिक सा चीज समझना है कि कौन कंट्रोल में है। तो हमको ये देखना है कि अगर बिड पे सौदा हो रहा था तो कितना क्वांटिटी हो रहा था, और आस्क पे सौदा हो रहा था तो कितना क्वांटिटी हो रहा था। अगर सौदा आस्क पे हो रहा है इसका मतलब बायर कंट्रोल में, अगर सौदा बिड पे हो रहा है इसका मतलब है सेलर कंट्रोल में, एज सिंपल एज दैट। और यही चीज को अब हम चार्ट में प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये इतना सिंपल डेटा को हम प्लॉट करके और वहां से हम कुछ इनसाइट निकाल सकते हैं क्या ट्रेड करने के लिए। तो अब हम जाते हैं कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में। तो ये बेसिकली चार्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, और चार्ट काफी सिंपल हो जाता है कोई भी डेटा को रीड करने के लिए। तो और वैसे भी आई थिंक इंडिया में सबसे, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टेक्निकल एनालिस्ट का इंडिया में ही है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को एटलीस्ट चार्ट तो पता ही होगा कि चार्ट एग्जैक्टली होता क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने निफ्टी का यहाँ पे एक 1 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट प्लॉट किया, इवन तो ये 1 मिनट है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो ड्यूरिंग द डे ये रियल टाइम में पर सेकेंड कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा, लेकिन मैं कैंडल जो है वो 1 मिनट देख रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 सेकेंड करना चाहूँ तो 1 सेकेंड पे भी सेम डेटा को मैं देख सकता हूँ, अगर इसी चीज को मैं 1 सेकेंड पे देखना चाहूँ तो ये 1 सेकेंड का मुझे टिक ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे जो एनालिटिक करना जो अच्छा लगता है वो 1 मिनट पे अच्छा लगता है, वो मेरा प्रेफरेंस है। जनरली बहुत सारे लोग 2 मिनट 5 मिनट भी यूज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 मिनट इस तरह के एनालिसिस के लिए काफी अच्छा है। तो मैं फिलहाल तो एक बार ये इंडिकेटर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं फिर से ऐड करके एटलीस्ट आपको दिखा पाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्यू इंडिकेटर करके आप देखेंगे कि आपको कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे ये सारे ऑर्डर बुक एनालिटिक्स है, और कुछ कुछ हायर ऑर्डर ग्रीक के भी रियल टाइम पे आप चार्ट देख सकते हैं। तो कुछ 33 एनालिटिक्स है जो आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें तो हम सबकी तो बात नहीं करेंगे, जैसे जो न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं वो किस प्राइस पे आ रहे हैं, एवरेज प्राइस क्या है वो आप देख सकते हैं, जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कितने कैंसिल हो रहे हैं, जो बाय ऑर्डर्स थे तो बायर खड़ा था वो भाग रहा है क्या, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं वो है बाय, सो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, तो ये ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, और दूसरा हम देखेंगे ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, राइट। तो बहुत सिंपल, हम एक सेलर और एक बायर का कितना क्वांटिटी, सो इसका मतलब क्या, बायर इनिशिएटेड का मतलब है कि कितने सौदे आस्क पे हो रहे हैं, मतलब बायर ने इनिशिएट किया। बायर ने इनिशिएट किया का मतलब क्या होता है, ऑर्डर बुक स्टैटिक है, बायर ने प्राइस बढ़ाया, या तो नया बायर आया या तो आईओसी ऑर्डर आया, तो
कितना सौदा आस्क पे ट्रेड हो रहा है, यह है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। कितना सौदा बिड पे ट्रेड हो रहा है, यह है सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो ये दो डेटा हम अलग अलग देख सकते हैं, और इस तरह का डेटा जनरली अवेलेबल नहीं होता है, राइट? लेकिन ये जो एनालिटिक है, ये एनालिटिक जो हमने क्रिएट किया है, पूरा एब्सोल्यूट लेवल 3 डेटा के ऊपर ये एनालिटिक क्रिएट होता है, और उसके ऊपर आप देख रहे हो। जनरली लेवल 3 डेटा कोई भी इंटरनेट पे आप अवेल तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो कोलोकेशन पे या लीज लाइन पे लेकर के आपको ये पूरा एनालिटिक बिल्ड करना पड़ता है। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, रिटेल नहीं कर पाता है। तो हमने जो हमारा एफर्ट है वो यही है कि हम इस चीज को रिटेल को भी ऑफर करते हैं। तो ये चेंजेस को हम अप्लाई करते हैं, ये दो इंडिकेटर हमने बेसिकली ऐड किए। नीचे जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, और ऊपर दिख रहा है सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। अब थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि अभी जो ये चार्ट है वो बहुत ज्यादा कंपेरेबल और रीडेबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें इसको मर्ज करूंगा ताकि हम लोग इसको रीडेबल बना पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी में यहाँ मोर करके, ये बेसिक ट्रेडिंग व्यू का फीचर है, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं। तो मैं मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सेलर और बायर को एक सिंगल चार्ट में मैंने प्लॉट कर दिया। अब जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है, इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर एक ग्रीन कलर देके और लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा रीडेबल बन जाए। सिमिलरली जो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है, उसको हम रेड में मार्क कर देते हैं, ताकि हम इसको इजिली रीड कर पाए, और लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक लास्ट स्टेप है, क्योंकि अब ये बायर का स्केल अलग है, सेलर का स्केल अलग है, मेरे को तो एक ही स्केल में चाहिए, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं बोल रहा हूँ मर्ज ऑल स्केल ऑन द राइट। तो अब हमने बेसिकली क्या अचीव किया, हमने ये अचीव किया कि बायर जितना आस्क पे खरीद के जा रहा है और सेलर जितना बिड पे बेच के जा रहा है, ये दोनों को हमने एक साथ प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक सिंगल स्केल पर। तो ये हमारा चार्ट हो गया। अब इसको जनरली मैं हर बार तो नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सेव करके आप इसको अगर सेव का बटन दबाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो सेव हो गया। सो नेक्स्ट टाइम मैं ये चार्ट को डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ। ये बेसिक ट्रेडिंग व्यू का फंक्शनैलिटी। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सो निफ्टी का 1 मिनट का हमारा ये जो डेटा है वो हम देख रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ कि बेसिकली हमें इसमें से ट्रेड कैसे मिलेगा, और हमें समझना क्या है कि कब हम जा करके ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिक जो हमारा प्रीमाइस है वो ये है कि कोई भी ब्रेकआउट, सो हम क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इससे दो तरह के ट्रेड पॉसिबल है। एक तो एज एन ऑप्शन बायर मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि जब ब्रेकआउट होगा तो मैं जाकर के एक ऑप्शन खरीद के इंट्राडे में उससे पैसा बना पाऊँ। जनरली मैं इंट्राडे में ही ये यूज करने का रिकमेंड करूंगा, बिकॉज जो भी ऑर्डर बुक है वो जब बाजार बंद होगा तो सब कुछ ऑटो कैंसिल हो चुका होगा, और जो दूसरा दिन का जब नया डेटा बनेगा वो पूरा एक नया ही डेटा होगा, उसको आप पिछले दिन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये अगर आप ट्रेड जो भी इस पे बनाएंगे, ये आपका सिंगल डे का ही ट्रेड है, आइडियली इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो बायर के पर्सपेक्टिव से हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम उसको यूज करेंगे कि कब वो अपॉर्चुनिटी है जब एक ब्रेकआउट आ रहा है और वहां पे मैं जाकर के पार्टिसिपेट करता हूँ। और सेलर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि सेलर्स जब कोई ऑप्शन आप लेट से आप बेच के बैठे हो और वहां पे आपको दिखता है कि अब नॉर्मली बाइंग आना शुरू हो गया, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस टूल को यूज कर सकते हैं कि मैं इमिडिएटली वो सौदा हो सकता है स्क्वायर ऑफ कर दूं और उसके बाहर आ जाऊं। तो ये बायर और सेलर दोनों के ही काम का चीज है, जहां पे बेसिकली आप उस ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। तो ये थे शुभम अग्रवाल जी, इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने ऑर्डर बुक एनालिटिक्स के बारे में बात की। आगे आने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और इसके अलावा हम स्टॉप लॉसेस कैसे मेंटेन करने हैं, शॉर्ट साइड पे आप कैसे ट्रेड्स ले सकते हो ये भी देखेंगे। तो आगे आने वाला एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाला है, तो डोंट मिस इट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बैंक निफ्टी मैं अभी लेट्स से ट्रेड करना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक ट्रेड करना चाहता हूँ, बेसिक फाउंडेशन क्या है, ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये क्या है, ये एरिया है कंसोलिडेशन, राइट? इंट्राडे में एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिला, और जनरली ब्रेकआउट कैसे होगा, जब एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा उसके बाद फाइनली जाकर के एक ब्रेकआउट आता है।